हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जो कि बिल्कुल ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें कोई भी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं। जो हम लोग सेमीकंडक्टर में ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड ये सवाल है। तो इस सवाल में क्या पूछा गया है, कहा गया, फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड। ठीक है, जो बेस जो होता है वो बहुत ही थीन होता है, बहुत पतला लेयर होता है, क्योंकि जहाँ हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज करियर जो है वो सीधे जो है कलेक्टर में चले जाएं, और इसलिए जो होता है बेस को काफ़ी थीन रखा जाता है और लाइटली डोप्ड रखा जाता है, ताकि उसमें चार्ज कैरियर जो है वो बहुत ही कम रहे। ठीक है, तो ये जो पहला ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है, और अगर पहला ऑप्शन सही है तो बाकी तीन ऑप्शन जो है अपने आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि नीट में जो है एक ही ऑप्शन सही होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं अगले सवाल पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है। कहा गया है लाइट विथ एन एवरेज फ्लक्स ऑफ 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप यूनिट देखेंगे तो यूनिट देखने से पता चलता है कि ये एक्चुअली में लाइट की इंटेंसिटी के बारे में बात कर रहा है ना। इंटेंसिटी जो होता है वो वाट पर यूनिट एरिया ऐसे कहते हैं, मतलब कि पावर पर एरिया कहते हैं, तो वही यूनिट दिया हुआ है, इसलिए ये लाइट की एक्चुअली में इंटेंसिटी है। तो कहा गया है कि इस इंटेंसिटी का जो लाइट है वो कहीं पर गिरता है, फॉल्स ऑन द नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब ये हुआ कि वहाँ से कोई भी फोटोन जो है वो रिफ्लेक्ट होकर के बाहर नहीं आ रहे, सारे फोटोन जो हैं वो एब्जर्व हो जाते हैं उसमें। ठीक है, तो एक तो नॉन रिफ्लेक्टिंग है, साथ में ये भी कहा गया कि इट इज नॉर्मल इंसिडेंस हैविंग सरफेस एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर इंसिडेंट होते हैं और सरफेस एरिया का जो वैल्यू है वो है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछा गया द एनर्जी रिसीव्ड बाय द सरफेस ड्यूरिंग टाइम स्पैन ऑफ 1 मिनट, है ना। तो हमें पता है कि जैसे इंटेंसिटी हम लोग लिखते हैं, तो इंटेंसिटी होता है एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, है ना, ये होता है इंटेंसिटी। ठीक है, तो अगर हमें एनर्जी की वैल्यू निकालना हो उसी इक्वेशन में से, तो लिखेंगे इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम, ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे कि इसमें जो इंटेंसिटी दिया है 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इसमें चाहे तो सेंटीमीटर स्क्वायर को आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, और नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है और वहाँ पर इंटेंसिटी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। ठीक है, तो यूनिट अगर आप कन्वर्ट भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कन्वर्ट नहीं भी करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कन्वर्जन है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी का जो वैल्यू है वो मैं रखता हूँ 20 इंटू जो एरिया है, एरिया दिया गया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कैंसिल हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर एक्चुअली में, इनटू टाइम, टाइम दिया गया है 1 मिनट, है ना। तो 1 मिनट दिया गया है, देखेंगे यहाँ पर आंसर जो है जूल्स में दिए गए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो टाइम है उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेकंड में कैसे रखेंगे, 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड, है ना। तो ये हो जाएगा 24 × 10³ जूल, है ना, ये आएगा 24 × 10³ जूल। तो देखेंगे कि ऑप्शन 4 जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो गया ऑप्शन 4।